निलेश जी ने सेकेंड क्वेश्चन पूछा है 7:19 PM को. मैंने लेज़र ट्रीटमेंट की थी और मनी प्रॉब्लम की वजह से बीच में छोड़ दी, तो इसके कारण डॉक्टर ने चेहरे के जिस भाग पर लेज़र की थी उस भाग पर काले चट्टे दिखते हैं, तो इसके लिए क्या करूं मैं? नीलेश जी, लगता है आपको स्किन का सच में कोई इशू है, क्योंकि आपको ओट पर भी इस तरह का हाइपोपिगमेंटेड पैच हो गया है और आपने लेज़र कराया है और वहाँ पे स्किन आपकी थोड़ी सी ब्लैकिश हो गई है. जनरली लेज़र कराने के बाद अगर सही तरीके से किया जाए, प्रॉपरली अगर वेल एक्सपीरियंस्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट इस तरह से लेज़र करते हैं, तो ऐसा कंप्लेंट तो आना नहीं चाहिए. जब भी कोई एरिया पे लेज़र होता है तो फिर से वो एरिया वापस ब्लैक और ऐसा सब होना नहीं चाहिए. तो इसमें दो रीजंस हो सकते हैं, या तो आपको कोई स्किन का सीवियर कुछ रिएक्शन हो रहा है विच रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज आपने जो लेज़र कराया है तो वो आपने सही नहीं किया. मीन्स आपने नहीं, जो डॉक्टर ने आपके फेस पर लेज़र कराया है उन्होंने शायद कुछ गलती से किया है या फिर सही तरीके से नहीं किया है, जिसकी वजह से आपके फेस पर स्कार टिश्यू हो गया है. अब वो जो स्कार टिश्यू होता है वो इस तरह से ब्लैकिश होता है. अब करंटली आप क्या कर सकते हो, तो मैंने जैसे कहा आप फोलिक एसिड लीजिए. 10 डेज़ में आपके ओवरऑल बॉडी के जो स्किन में थोड़ा सा फ़र्क आना चाहिए, इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए. अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो आप फिर से वही फोलिक एसिड को और 20 डेज़ के लिए कंटिन्यू कीजिए, तो आई एम श्योर कि नॉर्मलाइज हो जाएगा. इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं होता, देन वी विल रिक्वायर अ डिटेल्ड कंसल्टेशन. लीजिए. ऑल राइट.